हमारे साथ में एक बहुत बड़ी चोट हो गई है। पहले दिन के 11 बजे हमारा इरादा था कि हम सुबह 5 बजे पहुंचेंगे कि हम जयपुर में हगे लुट गए। सिर्फ एक रोटी कितने की पता है? 100 रुपए की। प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ से हमें बस नहीं मिल रही दिल्ली के लिए। आप लोगों को दिल्ली में कुछ देखने को मिले ना मिले, लेकिन ट्रैफिक हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसे गाइस, आज हम निकलेंगे अजमेर से दिल्ली के लिए, और इसी के साथ में आप लोगों को बताएंगे हमने बस वगैरह कहाँ से पकड़ी और खाना वगैरह कहाँ पे खाएंगे, और दिल्ली में सस्ती और अच्छी होटल पे मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के काफी काम आने वाली है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, वीडियो के नोटिफिकेशन आगे से आगे मिलते रहे। बाकी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अजमेर से दिल्ली तक की हमारी जर्नी। जैसे कि हमारा खाना आ चुका है, पनीर की सब्जी, पनीर बटर मसाला। भैया एक चीज बता दूं कि हम जयपुर में हगे लुट गए, क्यों? क्योंकि भैया बहुत महंगा खाना है। ये सब्जी पता कितने रुपए की है? ये सब्जी है 160 रुपए की, सोचो। और ये सिर्फ एक रोटी कितने की पता है? 100 रुपए की। ये छाछ 20 रुपए का। तो भैया बहुत महंगा है, पर पेट पूजा काम ना सुहाया हमें दूजा। तो पहले खाना खाएंगे, भैया खाना खाते हैं और अब हम लोग जयपुर से आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। मतलब हमें डायरेक्टली बस दिल्ली की मिली नहीं, तो हमने सोचा कि यहीं से पकड़ते हैं जयपुर से। हम जयपुर तक उतर गए। तो जैसे कि हमारा खाना पीना हो चुका है, बाकी हम निकलते हैं। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे दिल्ली जाना, हमारे को दिल्ली के लिए पकड़ते हैं बस, और फिर देखते हैं और आगे दिखाता हूँ। हमने खाया था खंडल वाल पे खाना, जो कि सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास में बना हुआ, तो आप भी यहाँ पे खाना खा सकते हो। तो देखिए गाइस, हम रोड पार करते हैं, हम अभी है सिंधी कैंप की तरफ, रोड पार करते हैं और यहीं से मिलेगी हमें, क्योंकि हमारे को दिल्ली छोड़ेगी। तो जैसे कि ट्रेवल्स की दुकान है, यहाँ पे पता करता हूँ। जैसी बस ये जाएगी दिल्ली, लेकिन इसका किराया बहुत ज़्यादा, अब हम जाएंगे दूसरी बस में। तो जैसी गाइस, हमारे साथ में एक बहुत बड़ी चोट हो गई है। भाई हमारे साथ चोट ये हो गई है कि हमने गलती ये कर दी कि हम लोग अजमेर से जयपुर आ गए, और अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ से हमें बस नहीं मिली दिल्ली के लिए। हम चाहते थे कि स्लीपर मिले और सोते हुए जाए आराम, हमें आराम चाहिए, हमारे लिए आराम आराम हो चुका। पहले बेहतर आ गया अपन यहाँ पर, हमने जो है ऐसा बस मिल जाएगी, और ये आने के बाद मालूम पड़ा बस ही नहीं है। लेकिन हम आए थे मजबूरी के कारण निकले, तो वो ज्यादा ही तूफान वगैरह आ रहा था, इस चक्कर तूफान और आंधी आ रहा था, तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे जल्दी जल्दी के चक्कर में। चोट हो गई है कि बस तो मिल रही, ऐसी नहीं कि बस नहीं मिली, पर सीट वाली सीटिंग मिल रही है, और हमारे को कमर दुख रही है। स्लीपर चाहिए, देखते हैं अब ढूंढेंगे। वैसे तो एक भी बस बता रहा है, कोई बंदा कह रहा भाई सुबह के बच्चों की 5, पर देखते हैं इंशाल्लाह मिल जाते, अच्छी बात है। तो जैसे कि हमारे को बहुत नुकसान हो गया, जो हमारे को स्लीपर अजमेर से 500 में मिल रही थी, वो हमारे को जयपुर से 700 रुपए मिली। और इसी के साथ में आप लोगों को बता दूं, हम लोग अजमेर से जयपुर तक आए थे तो 200 रुपए हमारे वो लग गए, और उसके बाद में हमारा काफी नुकसान हो गया। अब चलते हैं और आप लोगों को सीधा दिल्ली में मिलते हैं। तो जैसे कि हम लोग पुरानी दिल्ली उतर चुके, और अभी हमारे को जाना नई दिल्ली की तरफ, की हमारी हालत बहुत खराब हो गई। रात भर से सोई नहीं है ढंग से। मैं आप लोगों को बता दूँगा, वहाँ रोड पे भी लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं। बाकी हम टेम्पू कर लिया, बैठते और दिखाता लगे। अब आ गया आप लोगों को। तो भाई सुबह हो चुकी है, और सुबह सुबह हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली में, और हम लोग ने बहुत ज़्यादा गलती कर दी। हम पहुँचे हैं दिन के 11 बजे, हमारा इरादा था कि हम सुबह 5 बजे पहुँचेंगे, और 5 बजे अगर हम पहुँच जाते हैं तो ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं, घूमते कुछ एक्सप्लोर करते हैं। अब सारा मूड चौपड़ हो चुका है, अब हमारा इरादा कुछ इतना है कि यहाँ से जाते हैं कुछ खाने की चीज़, कुछ खाते पीते हैं और यहाँ से रूम ले लेते हैं, आराम करेंगे, शाम को 4 बजे निकलेंगे, है ना? 4 बजे तक जाएंगे ब्लॉग। ये देख सकते हो गाइस, दिल्ली जैसे बड़े शहर के अंदर आज भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करा जा रहा, पुराना तौर याद करा जा रहा है। तो जैसे कि गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को दिल्ली में कुछ देखने को मिले ना मिले, लेकिन ट्रैफिक हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारे को गली गोपचों में घुस के आना पड़ रहा है। अभी उधर थे तो उधर काफ़ी भीड़ थी, तो इस गली में डाला, अब आगे चलते हैं, आगे भी कहीं भीड़ होगी तो इधर उधर डाल के निकालना पड़ेगा। तो जैसे गाइस, अभी हम उतर चुके हैं पारगंज, अब यहाँ पे देखेंगे सस्ता और अच्छा होटल कहाँ मिलेगा, होटल लेंगे
और अभी पहले कुछ खा पी लेते हैं, भूख लग रही है खतरनाक वाली। मिस्टर खान भाई केले ले रहे हैं, भूख लग रही है बहुत तेजी से, क्या करूँ। मतलब हमारे पूरी जगह टाइम तो पहले क्या खाते थे, फल फ्रूटी तो खाते थे वो। एक इंटरव्यू में मैंने ये देखा अक्षय कुमार को, मतलब कुछ भी नहीं मिलता था, सबसे पहले केले लेके खाता। यार एनर्जी की चीज़ खाओ, क्योंकि अपन सफर करते हैं ना, तो सफर में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा थक गए या पता नहीं क्या हो गया, तो आप एनर्जी की चीज़ खाओ, इससे एनर्जी बनी रहेगी। ये तो एक गली है, ऐसी सैकड़ों गलियां हैं हमारे दिल्ली के अंदर, मतलब दिल्ली पे जहाँ पे गेस्ट हाउस होटल पता नहीं क्या क्या है, और ऐसी पतली पतली गली से जाना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग होटल की तरफ पहुँच चुके हैं, हमने चलते हैं होटल का प्राइस वगैरह पूछते हैं, क्या रेट वगैरह मिलेगा, फिर होटल बुक करते हैं और रहते हैं यहाँ पे रूम, और थोड़ा आराम करेंगे, परेशान होकर फ्रेश वगैरह होंगे, ड्रेस वगैरह भी चेंज करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ चलेंगे घूमने, वो भी आप लोगों को बताएंगे फिर। तो जैसे ही गैस हमने ये मैच गेस्ट हाउस पे पता करना है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी एक चीज देखी मैंने, देखो कितनी छोटी छोटी सकड़ी सकड़ी गली, जैसे कि अजमेर में बनी हुई है हमारी, बहुत कम स्पेस होता है मतलब आने जाने का। तो जैसे ही गैस यहाँ पे वाईफाई की भी सुविधा अवेलेबल है, फ्री वाईफाई, तो हम वीडियो भी अपलोड करनी है मेरे को, तो वीडियो भी अपलोड करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। तो जैसे कि हमारा रूम फाइनल हो चुका है, फॉर्मेलिटी वगैरह कर देते हैं और बाकी रूम चलते हैं और आराम करते हैं।